Hey guys, this is Kartikeya Sharma. कैसे हो आप सब? आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन. दिस फॉर्म्स द कोर ऑफ व्हाट इज नोन एज क्लासिकल फिजिक्स. ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब है द स्टडी द फिजिक्स विच डील्स विद नॉर्मल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स, ना कि एकदम माइक्रोस्कोपिक क्वांटम लेवल के ऑब्जेक्ट्स या एकदम मैक्रोस्कोपिक कॉस्मिक लेवल के ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है न्यूटन का. वो ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी ही रहेगा अनलेस एंड अंटिल कोई फोर्स उस पर एक्ट करे. सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो एग्जैक्टली उसी मोशन में रहेगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन सेम होगी. उसकी वेलोसिटी अपने आप स्पीड और डायरेक्शन होती है, वो सेम होगी अनलेस एंड अंटिल कोई फोर्स एक्ट करे. अगर कोई एक्सेलरेटिंग फोर्स एक्ट करेगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. अगर कोई शेयरिंग फोर्स या कोई साइड वाली डायरेक्शन में एक्ट करेगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. सिमिलरली अगर कोई रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करेगी तो वो स्लो डाउन होगा एंड इवेंचुअली रुक जाएगा. ठीक है, सो एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी एट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अंटिल अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट. तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ऐसा क्यों है कि जो ऑब्जेक्ट खड़ा है वो खड़ा रहता है, जो चल रहा है वो चलता रहता है? ऐसा क्यों है? इट्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया. इसीलिए द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास. ठीक है, इनफैक्ट मास को डिस्क्राइब ही ये करते हैं. मास यही बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितनी इनर्शिया है. किसी का मास ज्यादा है तो ज्यादा इनर्शिया है, किसी का मास कम है तो कम इनर्शिया है. तो एक एग्जाम्पल देते हैं इनर्शिया का. एवरीडे लाइफ में क्या एक्सपीरियंस होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बस में बैठे हो और वो बस चल रही है एंड सडनली ड्राइवर ब्रेक मारता है वो एकदम से रुक जाती है, तो जो पैसेंजर अंदर बैठा है चेयर पे उसको फॉरवर्ड एकदम ऐसे लर्च करता है फॉरवर्ड. वो क्यों होता है? बिकॉज बस तो रुक गई लेकिन इस इंसान को तो कोई किसी ने ब्रेक नहीं मारा, ये तो बैठा हुआ है चुपचाप, तो इसको डिफिकल्टी होगी एकदम से रुकने में. सो दैट टेंडेंसी टू कंटिन्यू इन मोशन इज इनर्शिया. ठीक है, सिमिलरली अगर ये फिर बस एकदम से चलने लग जाए तो इसको पीछे की तरफ झटका फील होगा, दैट इज ऑल्सो इनर्शिया. ठीक है, तो ये एक जनरल ओवरव्यू है फर्स्ट लॉ का. अब सेकेंड लॉ देखते हैं क्या है. सेकेंड लॉ ये है कि देर इज मोमेंटम, देर इज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट या अ बॉडी विच बेसिकली इज डिनोटेड बाई पी एंड इट्स इक्वल टू द मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास एक किलो है और उसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 मीटर पर सेकेंड है तो उसका मोमेंटम भी 1 होगा. ठीक है, अच्छा इसका ऑब्वियसली दिख रहा है कि यूनिट है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड. इसका यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड. तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट. ठीक है, तो यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हुआ, लेट्स से डेल्टा पी, और ये चेंज हुआ टाइम डेल्टा टी में, तो ये इक्वल होगा फोर्स अप्लाइड के. ठीक है, इसके हम आगे चल के देखेंगे कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस है और किस तरह इसको मैथमेटिकली हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. बस फटाफट हम थर्ड लॉ देखते हैं. थर्ड लॉ सब लोगों ने सुना होगा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. क्या मतलब है इसका? लेट्स से किसी इंसान ने एक गाड़ी चला रहा है, बहुत ही पुरानी, चलो फिएट टाइप की गाड़ी है, कोई इंसान ही गाड़ी चला रहा है और ये दीवार में जाके बैठ गई, तो दीवार को तो चोट लगेगी लगेगी, गाड़ी और इंसान को भी चोट लगेगी. जब ये यहां पे टकराएगी ये गाड़ी तो देयर विल बी अ फोर्स ऑन दिस वॉल एज वेल. ठीक है, इसको एक इस तरफ की फोर्स फील होगी दीवार को, लेकिन जिस मोमेंट पे इस दीवार को इस गाड़ी की वजह से फोर्स फील होगी, ये दीवार भी गाड़ी पे एक फोर्स एग्जर्ट करेगी इस डायरेक्शन में. जब फॉर एग्जाम्पल ये यहां आ चुकी है गाड़ी यहां पे, तब ये दीवार इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगी. ठीक है, तो ये बेसिकली इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है. लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेंबर दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन डिफरेंट बॉडीज. जिस बॉडी ने एक्शन लगाया इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन उसे खुद फील होगा. ठीक है, सिमिलरली जब एक इंसान ऐसे बंदूक पकड़ता है और चलाता है तो काफी फोर्स लगती है उस बुलेट को पुश करने में और उतनी फोर्स उतना ही रिएक्शन उसके हाथ पर होता है, इसलिए रिकॉइल होता है ऐसे. ठीक है, ओके, सो लेट्स सी कि इस
इन लॉज को हम यूज कैसे करते हैं। अब ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो डेल्टा पी है ना चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको हम इंपल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रेट द चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स इंटू द ड्यूरेशन फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो जैसे गाड़ी चल रही है 30 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है, ये गाड़ी की स्पीड है और इसका वजन है लेट्स से 1000 किलो। तो इसका पहले तो मोमेंटम बताइए कितना होगा। अब आप कहोगे 30 × 1000 30,000 इसका मोमेंटम है, 30,000 kg/s। अब इस पे एक फोर्स लगी 100 न्यूटन की, ठीक है, और ये 100 न्यूटन की फोर्स इस पे लगी है 50 सेकेंड की। ये इंटू क्यों कर रहा हूं, फोर्स इंटू टाइम। तो 100 न्यूटन × 50 सेकेंड कितना हो गया 5000। तो ये 5000 क्या है, ये इंपल्स है, द चेंज इन मोमेंटम। तो इसका नया मोमेंटम कितना होगा 31000, ये 30000 इसका ओरिजिनल मोमेंटम था। तो अब इसका नया मोमेंटम होगा P2 = P1 + Δp, यानी कि 35000 kg/s। अच्छा मोमेंटम बेसिकली क्या है, मोमेंटम इज इन अ वे इनर्शिया फॉर अ मूविंग बॉडी, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसका मास ज्यादा है तो भी मोमेंटम ज्यादा है, और उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो भी मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप आपसे कोई गाड़ी टकराती है, एक स्कूटी टकराती है, आपको चोट लगेगी लेकिन हो सकता है जिंदा रहो, लेकिन अगर ट्रक टकराएगा उतनी ही स्पीड पे तो काफी मुश्किल चांस है। सिमिलरली अगर आप एक छोटे से पत्थर को फेंको तो थोड़ा चोट लगेगा, लेकिन उतने ही मास के एक बुलेट को फायर करो गन से तो कितनी ज्यादा स्पीड पे वो ट्रैवल करती है, तो दैट कैन बी डेडली। क्यों, क्योंकि उसकी मोमेंटम ज्यादा है, मास तो कम है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट द सेकंड लॉ टॉक्स अबाउट। अच्छा थर्ड का एग्जांपल है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कहां यूज होता है, रॉकेट्स में। अगर आपको स्पेस में भेजना है, अब जब गाड़ी चलती है तो वो क्या प्रॉपर्टी यूज करती है, गाड़ी सड़क पे चल रही है ना तो इट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन। तो बेसिकली सड़क उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है, वो आगे जा सकती है, लेकिन रॉकेट पे तो ऐसा कुछ नहीं है, हवा में उड़ना है तो क्या करेगा। तो इसलिए बहुत हाई वेलोसिटी और हाई काफी सारा मास ऑफ जेट फ्यूल कह सकते हैं आप इसको, ये यूज होता है, प्रोपेलेंट भी बोलते हैं इसको। तो ये काफी हाई स्पीड पे इजेक्ट होता है और काफी सारा अमाउंट। तो क्या होता है जब कोई कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इजेक्ट हो रहा है, अब ये मास m टोटल मतलब ये टोटल नहीं है, पर सेकंड इजेक्ट हो रहा है, तो मास अपॉन टाइम इज द अमाउंट ऑफ जेट फ्यूल या प्रोपेलेंट एंड द वेलोसिटी v। तो ये जो है इतना मोमेंटम का पर सेकंड इजेक्ट हो रहा है, तो उतना ही मोमेंटम ये रॉकेट गेन करेगा, ठीक है। अगर 1000 किलो का फ्यूल आपको 100 मीटर पर सेकंड पे इजेक्ट हो रहा है एक सेकेंड में, तो कितना हो गया 10^5। तो ये जो 10^5 है ये चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड है इसका, 10^5 न्यूटन हो गया एक तरह से, जो फोर्स इस रॉकेट को प्रोपेल करेगी, ठीक है। तो अगर इस रॉकेट का वजन 1000 किलो है तो 100 इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 100 m/s², ये इसकी एक्सेलरेशन होगी। वो क्यों है, देखो अब हम दूसरे उस पर आते हैं, इसी लॉ को, सेकेंड लॉ को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो कैसे होगा और उसके बहुत एप्लीकेशंस हैं। आपको 9th में जितने भी न्यूमेरिकल्स करने होंगे उसमें 50-60% एटलीस्ट यही यूज होगा। अब देखो ये क्या कहता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू द फोर्स, है ना। डेल्टा पी क्या है, बेसिकली डेल्टा ऑफ मास इनटू वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये क्या है फोर्स। अब देखो मास तो कॉन्स्टेंट रहता है तो आप इसको बाहर ले आओ, क्यों, डेल्टा का मतलब ही चेंज है। अब ये मास चेंज नहीं हो रहा तो आप इसको लिख सकते हो मास इनटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स। अब डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन, है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, ये भी सेकंड लॉ का एक तरीका है लिखने का। तो इससे पता चलता है कि फोर्स को हम जो यूनिट यूज करते हैं वो न्यूटन है, लेकिन अगर यहां से देखें तो क्या आएगा, kg/m²।
इसीलिए न्यूटन को अगर आपको एसआई यूनिट से स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिखना हो तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। चलो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे 5 न्यूटन की फोर्स लगी है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है 5 न्यूटन की फोर्स लगी है और इसकी एक्सेलरेशन है लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन का मतलब क्या, कोई ना कोई फोर्स लग रही है। अब वो फोर्स लगी मान लो 5 सेकंड के लिए और शुरुआत में इसकी वेलोसिटी क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्टेशनरी है ये शुरू में। आपको फाइंड करना है 5 सेकंड बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी, क्या मोमेंटम होगा इसका, सब कुछ। तो देखो आपको एक्सेलरेशन दिया है और फोर्स दिया है, तो इससे आप निकाल सकते हो मास। कितना मास हो गया इसका, 5/10, तो 0.5 केजी हो गया इसका मास। अब आप यहां से आराम से निकाल सकते हो क्या वेलोसिटी होगी उसकी, वी इज इक्वल टू ए इंटू टी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। कितना आ गया ये, 10 × 5 = 50 मीटर पर सेकंड। अब आपको पता है ऑलरेडी कि इसका मास 0.5 है, तो इसका मोमेंटम भी निकाल सकते हो, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। 0.5 × 50 कितना हो गया, 25 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल। हम इसको अगले लेक्चर में आगे देखेंगे कि कैसे यूज कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स देखने हैं इसके और अलग अलग वैरायटी में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, आई होप यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशनल, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।